देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। देश में नामी कंपनियों के नाम से नकली सामानों के बनाने की बात तो अक्सर सुनने को मिलती है और इन नकली सामानों की बिक्री भी धड़ल्ले से बाजारों में असली दाम में ही होती है। ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली तेल और बाथरूम क्लीनर भी बनता है। आज हम आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रहे हैं जिसका नेटवर्क दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जिले सिद्धार्थनगर तक फैला हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली का खेल। नकली सामान को बनाने में जिस केमिकल को अलग अलग कंपनियों के रैपर का प्रयोग किया जाता है वो सब कुछ आता था दिल्ली से। दरअसल जिले के बांसी कस्बे में ब्रांडेड कंपनी का नकली कारखाने का भी भंडाफोड़ किया गया। जिले की बांसी पुलिस ने कस्बे के पटेल नगर वार्ड में 4 सालों से चल रहे ब्रांडेड कंपनी का भंडाफोड़ किया। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बनाने का काला कारोबार। इस काले कारोबार से आरोपी ने काफी धन कमाया। कोतवाली से मात्र 500 मीटर की दूरी पर सालों से ये काम चल रहा था। इस कारखाने को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया। ये गोरख धंधा एक किराए के मकान में ही चल रहा था और इसमें काम करने वालों को ये नहीं पता था कि ये सब फर्जी खेल चल रहा है। पकड़े गए मुख्य आरोपी के नगर के बाले मियां मैदान के पास चमन ट्रेडर्स के नाम से एक फर्म भी है। कस्बे के पटेल नगर स्थित कल्लू के मकान में केश तेल समेत अन्य नकली सामान बनाने का नकली कारखाना चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर बांसी के सीओ नाइम खां मंसूरी और प्रभारी निरीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारे कर मौके से काम कर रहे आधा दर्जन मजदूरों समेत तेल बनाने वाले कारीगर शेरू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस छापेमारी में पुलिस ने केमिकल भरे 50-50 लीटर के 3 गैलन और 2 खाली गैलन हार पैक नामक बाथरूम क्लीनर के खाली 500 डिब्बे केशरानी तेल का 500 पीस रैपर सुकून केस तेल का रैपर 300 पीस वलीरुमा ऑयल के 1000 रैपर खाली बड़ा गत्ता 100 पीस केमिकल बना हुआ 20 लीटर एक टब एक मग और बड़ी मात्रा में तेल के सीसी के ढक्कन भी बरामद किए गए। इसमें आप केस पिंक तेल बनाते थे और एक बास का तेल बनाते थे और हार पीस बास आपने ये बनाने की केमिकल से जो है माल तैयार कर लेंगे? नहीं है, ये सब बना हुआ आता है डिब्बे में भर के दिल्ली से और यहाँ पे रायपर ऊपर आ जाता है, सिर्फ डिब्बे में डालकर पैक करके ग्राम ग्राम उसको पैक करना था बस। देखिए सूचना मिली थी कि शिव मंदिर के पास पटेल नगर में एक नकली नील और सबुन तेल बनाने का एक कारखाना चल रहा है, तो सूचना के आधार पर हम लोगों ने दबिश दी। मैंने इंस्पेक्टर बासी और तमाम फोर्स वहाँ पहुंचे और देखा तो वहाँ 2 लोग पकड़े गए, मुकीम सनफ रमजान अली निवासी नरकटा पासी और शेरू सनफ राजू निवासी पटेल नगर पासी। ये दोनों लोग मौके पर पकड़े गए और मौके से तेल की शीशियाँ और नकली रैपर और केमिकल्स कुछ पाए गए और मामले की जांच चल रही है और मामले में जो भी 4 बजे कार्रवाई की जाए। इस नकली कारखाने के खुलासा करते हुए सीओ ने बताया कि पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कस्बे में ही एक नकली कारखाना चल रहा है जिसमें ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली तेल बाथरूम क्लीनर बनाया जाता है। पुलिस जब छापेमारी की तो पता चला कि ये नकली सामान बनाने का कारखाना 4 साल से चल रहा था। इस ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली केश तेल टॉयलेट क्लीनर को बनाने के काम इस कारखाने में होते थे। इस छापेमारी में कारखाने के मालिक मुकीम और मेन मिस्त्री को भी पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। इस नकली कारखाने के खुलासे के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर कोतवाली से कुछ ही दूरी पर किसके संरक्षण में ये कारखाना चल रहा था? पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ।